ऑनलाइन रिटेल कंपनी एमेजोन की कनाडा की वेबसाइट पर भारत के तिरंगे की तस्वीर वाले डोरमेट का बिक्री सरकार करने पर सरकार की तरफ से कड़ा एतराज जताया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग को इस मामले में एमेजोन के सामने इस मामले को उठाने का निर्देश दिया है। सुषमा स्वराज ने कहा है कि एमेजोन इस मामले में न सिर्फ बिना शर्त माफी मांगे बल्कि वो अपने उन प्रोडक्ट्स को फौरन हटाए जिनसे तिरंगे का अपमान होता है। सुषमा स्वराज ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर एमेजोन ने ऐसा नहीं किया तो भारत में उसके अफसरों को वीजा नहीं मिलेगा, साथ ही जिन्हें वीजा मिल चुका है वो रद्द कर दिए जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, सरकार की तरफ से किस तरह के एक्शन की तैयारी है और एमेजोन की तरफ से क्या कोई इस पर रिएक्शन आया है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं हटाया जाता और बगैर शर्त माफी नहीं मांगी जाती तो सरकार न केवल वीजा नहीं देगी बल्कि जो वीजा है वो भी रद्द कर देगी। अमेज़न ने फिलहाल ये कहा है कि ये प्रोडक्ट के बारे में जो भी शिकायत है उसको जो संबंधित विभाग है उसकी तरफ भेज दिया गया। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना होगा विद्या कि अमेज़न का भारत में बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और अमेज़न के जो CEO हैं जेफ बेजोस, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है पिछले 2-2.5 साल में, दो बार कम से कम मुलाकात हुई है उनकी, और $3 अरब का इन्वेस्टमेंट इंडिया में और करने का विचार है अमेज़न का। तो अगर अमेज़न बगैर शर्त माफी नहीं मांगती तो भारत में अमेज़न की जो विस्तार की संभावनाएं और जो भी कारोबार है उस पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन मिश्रा हमसे बात करने के लिए।